दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं R95 फिशिंग। आप शिकारी हैं, आप शिकार करते हैं, अगर आप मच्छी शिकार करने जा रहे हैं और बड़ी रेहू शिकार करना है, बड़ी रेहू शिकार करने के लिए ये मौसम अभी गर्मी का है, इसके बाद आएगा बरसात, तो आपको गर्मी या बरसात के लिए बड़ी रेहू शिकार करने के लिए आपको चारा बना के दिखाते हैं और बनाते हैं चारा। आप भी इस मछली का चारे को बनाइए और जाकर बड़ी रेहू का शिकार करें बड़े आसानी से। तो देखिए, सबसे पहले लेते हैं आटा। ये आटा 100 ग्राम के हिसाब से आपको चारा बना के दिखाते हैं। अगर आपको कम बेसी करना है तो फिर अपने हिसाब से आप घटाना है घटा लीजिएगा, बढ़ाना है बढ़ा लीजिएगा। तो इसमें ज़्यादा सामान नहीं है, इसमें बस थोड़ा सा सामान है। तो 100 ग्राम आटा लेते हैं पहले। 100 ग्राम आटा हमने लिया और ये देखिए, ये सरसों का खल है। इससे पहले भी मैंने आपको खल से चारा बनाकर दिखाया है, तो फिर एक बार और ये नई चारा है रेहू मछली शिकार करने का। तो चारा बना रहे हैं, देखिए इसमें 100 ग्राम आटा में 2 चम्मच खल देना है, ज़्यादा नहीं देने की दरकार है इसमें। तो दोस्तों इसको पहले बढ़िया से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद इसमें एक चीज़ है जिसके भूमिका बहुत ही अहम है, इससे पहले भी मैंने वो चीज़ मिलाया है और फिर आपको मिला के दिखाएंगे। वो दोस्त ये चीज़ है, देखिए ये हींग है। ये रेहू मछली शिकार करने के लिए, ख़ास करके इस चारे में गर्मी के मौसम में और आने वाला बरसात के मौसम के लिए हींग का भूमिका बहुत बढ़िया रहता है, बहुत ही कारगर भूमिका रहता है। तो इसमें ज़रा सा हींग मिलाते हैं, एकदम थोड़ा सा देना है ताकि मछली आपके चारा जब खाए तो आपके चारे में बार बार आकर खाए। हींग से खाना हजम होता है और भूख ज़्यादा लगता है। तो इसे मिलाकर पहले सूखे में बढ़िया से इसे मिला ले, अब उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी देते जाए, इसे गूंथते जाए। तो थोड़ा सा पानी देते हैं दोस्तों, तो देखिए इसको बढ़िया से गूंथते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन और कारगर चारा है और हर कोई चाहता है कि बड़ी रेहू हमारा शिकार हो। अगर बड़ी रेहू शिकार करना है तो आप इस चारे से आसानी से बड़ी रेहू का शिकार कर पाएंगे। और ये चारे में एक खूबी और है कि आप तालाब में शिकार करें, डैम में करें, अगर आप नदी में शिकार करने जाते हैं तो ये चारा आपका नदी में भी काम आएगा। इस चारे से नदी में भी आप बड़े से बड़ी रेहू का शिकार कर सकते हैं। नदी में आप सिर्फ चारा डाल सकते हैं, चराई तो नहीं डाल सकते क्योंकि बहता पानी में भसकर चला जाएगा। अगर पानी स्थिर है, पानी शांत है, तो उस पानी में आप चराई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारा चारा बहुत ही आसानी से ये रेडी हो चुका है और हमने घरेलू सामान से बनाया। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आटा है और सरसों का खल है और हींग है हमारा, जो हम खाते हैं हम सब वही हींग है। और इसका चराई भी आप देख लीजिए, क्योंकि हर बार मैं चराई भी बनाता हूँ। शांत पानी रहेगा नदी का तो उसमें आप चराई कर सकते हैं, मगर उसमें गहराई ज़्यादा होता है, चारा आपका काम नहीं करेगा। अगर आप तालाब में मारते हैं या डैम में मारते हैं तो चराई आपका काम आ जाएगा। तो चराई के लिए करना क्या है, कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा इसमें आटा और ले लें, लेने के बाद इसमें सरसों का खल मिला लें और थोड़ा सा पानी दे के इसको ज़रा सूखा रहने दें। ये गीला नहीं होगा, ये चारे जैसा नहीं बनेगा, ये बिल्कुल चराई बनेगा, इसमें ज़्यादा पानी का दरकार नहीं पड़ता। तो थोड़ा सा पानी देकर इसको हल्का हल्का मिला लें ताकि फेंकने में आसानी हो। बस इसमें इतना पानी दें ताकि आपस में ये सड़ जाए, आपस में एक दूसरे का पकड़ के रहे, चराई करने में आराम हो। दोस्तों देखिए, ये चराई भी हमारा रेडी हो चुका है। चारा और चराई दोनों हमारा रेडी हो चुका है। थोड़ी सी पानी और देते हैं ताकि थोड़ा सा और चराई हमारा आपस में मिल जाए। देखिए दोस्तों, ये चराई भी रेडी हो चुका है। जब शिकार में बैठे उससे आधा घंटा 20 मिनट पहले आप चराई कर लें, उसके बाद चारा को अपने बंसी कांटे में लगा करके
तालाब में नदी में आप फेंकें, डैम में फेंकें, आपका शिकार होगा। ये बड़ी रेहू शिकार करने के लिए आसान और कारगर चारा है। तो दोस्तों देखिए, ये चराई हो चुका है, चराई करने का सिस्टम मैं बता चुका हूँ। चराई आपको इस तरह फेंकना है, बस जहाँ आप बंसी में चारा लगा के फेंकेंगे वहीं आपको चराई भी फेंकना है। तो आपको चारा लगा के दिखाते हैं, हर बार दिखा देता हूँ, इस बार भी मैं दिखा दे रहा हूँ चराई लगा, हर बार दिखाता हूँ, इस बार भी बंसी में चारा लगा के दिखा देना। दोस्तों हमारे पास बहुत किस्म का बंसी है, मगर ख़ास करके ये रेहू मछली, मिर्गेल मछली, ग्रास मछली पकड़ने के लिए बंसी है। अगर इस तरीके का बंसी आपको चाहिए तो हमारे पास आपको बंसी भी मिल जाए, मैं बंसी भी बेचता हूँ। देखिए दोस्तों, ये चारा हर बार एकदम आसानी से लगता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, बस इसको इस तरह पकड़ना है, चारे को लेना और ऐसा बंसी कांटा बोलते हैं, ऐसा ले और इसको ऐसा मोड़ दे। आप एक कांटे में भी इस बंसी, इस चारे से शिकार कर सकते हैं, दो कांटे से भी शिकार कर सकते हैं और बड़ी रेहू आसानी से आपका शिकार होगा इसमें। दोस्तों देखिए, ये हमारा चारा बंसी में लग चुका है, कोई परेशानी के नहीं है इसमें, आसानी से बंसी में आप चारा लगा सकते हैं। इसको बहुत आदमी गुच्छा गल बोलते हैं, बहुत बंसी बोलते हैं, बहुत कांटा बोलते हैं, जैसा जिसका होता है, मगर हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में हम लोग कांटा ही बोलते हैं, हमारे बिहार में लोग बंसी बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने ये चारे को बंसी में लगा चुका, इसी तरीके से आप बंसी में लगाएं चारे को और जाके तालाब में बड़ी से बड़ी रेहू आसानी से शिकार कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी रेहू शिकार करें। दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए चारा और चराई के संग। गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।